हेलो गाइस, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है। तो अभी हम हो गए तैयार जिम जाने के लिए, तो चलते हैं जिम वर्कआउट करने के लिए। तो अपना सामान वामन सब रख लिया, पैक कर लिया पूरे जिम का, निकलते हैं जिम, मिलते हैं आपको जिम में पहुंच के। सुबह सुबह में इतना मोटा लग रहा हूँ, उतना तो हूँ भी नहीं ना, मेरे इतने गाल है यार, क्योंकि सुबह सुबह मुँह ऐसा लगता है ना, बड़ा फूला फूला सा, इसलिए। तो कोई नहीं, मैंने भी देखा वीडियो, जब मैंने बनाई ब्लॉग तो उसके बाद देखा, मैं देखता हूँ कैसा लग रहा हूँ, देखा तो ऐसा मोटा मोटा लग रहा हूँ भाई। जिम तक आने मेरा खतरनाक ठंड लग रही है यार, हाथ सुन्न हो गए बिल्कुल। तो अभी चलते हैं नीचे, अभी करते हैं वर्कआउट चालू। आज मारेंगे फुल ट्राइसेप्स और बाइसेप्स दोनों एक साथ, तो करते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज। तो चलते हैं, मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। भाई जिम में हो गया नुकसान मेरा यार, मेरी स्टिक टूट गई यार, ट्राई कर लिया यार, नुकसान हो गया सुबह ही सुबह यार। वर्कआउट इज डन, अभी चलते हैं घर। और घर जाते टाइम रास्ते में ना मेरे को बाल कटाने हैं, बाल काफ़ी बड़े हो रहे हैं, और सेविंग की थोड़ी सी सेट करा लेंगे। तो अभी चलते हैं बार बार की दुकान पे, तो बाल भी कटाते हैं, फिर बाल कटा के सीधा घर, घर जाके डैड लेंगे। तो अभी तो बार बार वाले की शॉप भी नहीं खुली है, तो उससे अच्छा अपन चलते हैं घर, डैड ले के फिर आ जाएंगे। तो अभी खाना खा के हो गए फ्री, तो अभी चलते हैं कुछ काम से मार्केट, तो मिलते हैं आपको मार्केट में। गले को क्या हो गया यार, गला बैठ गया, तो मिलते हैं आपको मार्केट पहुंच के। तो अभी आ चुके सिटी में भाई, मैं तो बाइक भी नहीं लेके आया, ठंड के मारे, ठंड पड़ रही है खतरनाक वाली। तो अभी चलते हैं ऑटो से भाई, अभी पड़ रही है खतरनाक वाली ठंड भाई, बहुत ठंड लग रही है इस टाइम। तो चलते हैं फटाफट घर, की पड़ रही है गलन, तो इसलिए लग रही है ठंड। तो अपन चलते हैं, अपन हो गए फ्री, तो अपन चलते हैं अब घर सीधा, तो मिलते हैं आपको घर पहुँच के। आप लोग देख सकते हैं हर कोई टोपा पहन के या मफलर पहन के घूम रहा है, बहुत तेज हवा चल रही है यार गाइस, क्या कर सकते हैं। तो भाई यार मैं आते कम देखना, लोग यहाँ भी ताप रहे हैं, देखो यहाँ भी सर्दियाँ बढ़ चुकी हैं। तो अभी आ चुके हैं घर पे, तो आप लोग देख सकते हैं एक कपड़ा, दो अंदर टी शर्ट, फिर एक टी शर्ट, चार कपड़े में भी ठंड लग रही थी यार, इतनी ठंड पड़ रही है बाहर, तुम क्या समझ रहे हो, बहुत ठंड है आज गलन। और ये देखना ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये मटरू क्या कर रहा है, ये जब देखो जब मोबाइल नहीं, अपना मोबाइल को देखें, ला मोबाइल दे, मोबाइल दे, पागल हो का, पागल हो का, गिले 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 गिले, पागल हो का। अभी हम जा रहे हैं राम मंदिर ट्रस्ट के द्वारा हमारे यहाँ अक्षत आए, अक्षत मतलब चावल, उनका व्रत करने की, लोगों के घर घर जाके हमको निमंत्रण देना है। 22 जनवरी को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगी, तो उस दिन आप लोग घर घर दिवाली मनाएं, तो उसके लिए यहाँ निमंत्रण आया है, तो उसकी जिम्मेदारी हमें मिली है अपने एरिया की। तो अपन चलते हैं अपने एरिया में निमंत्रण करने के लिए, तो चलते हैं और दिखाते हैं आपको। तो अभी आ चुके हैं हम पूरे वितरण करके, तो ये रहा बैग लास्ट में अपन, तो सबको बोल दिया राम राम। तो अभी चलते हैं घर, और घर जाके खाएंगे खाना, क्योंकि मम्मी का कॉल आ रहा है, तो मिलते हैं आपको घर पर पहुंच। तो अभी आ चुके हैं अपन घर पे, ये कौन है, मोबाइल मोबाइल मोबाइल, पागल लोका, अरे अरे मोबाइल मोबाइल, बाय कर दो, सबसे बाय कर देना, बाय कर दे। मटरू ने गाना गा लिया, मटरू पारी कर दे, तू मेरे को पारी दो, कर दे पारी, कर दी ना चाचू को पारी, कर दे जल्दी जल्दी जल्दी, पारी कर दे पहले, पारी कर जल्दी, नहीं कर रहा, ओ काट काट, काट नहीं काट नहीं काट नहीं काट काट, खाते हो जल्दी का भाई। आज मम्मी को कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है कैमरे वैमरे लाने के लिए, मम्मी को बताया जा रहा है कि देखो तो मेरे इंस्टाग्राम पे रील इतनी वायरल हो गई है, इस पे 22,000 गए, इस पे 1,00,000 गए, तो मम्मी को बताया जा रहा है। अभी सबसे बड़ी खुशी की बात है कि मेरी स्नैप आईडी पे एक अक्षत कलश वाली यात्रा 100 के पार कर चुकी है, तो मम्मी को दिखा रहा था। और एक हमारे यहाँ मम्मी ने तुलसी और शालिग्राम की शादी की थी, तो उस पर 20,000 इंस्टाग्राम पे गए थे, और 6,000 अभी इस पर चले गए स्नैप पे, तो वो भी ट्रेंडिंग में चल रही है। तो मम्मी को समझा रहा हूँ, कंप्रोमाइज कर रहा हूँ कि मम्मी यार मेरे को पैसे दिला दे थोड़े से, तो कैमरा ले आऊँ, उस परमिशन दे दे, पैसे तो मेरे पास है, उस परमिशन दे दे कि कैमरा ले आ, ड्रोन ले आ, तो मैं ले आऊँ।
तो अभी मम्मी आ रही है, अभी दूध गर्म हो रहा है ना, इसलिए तो मम्मी कह रही है दूध गर्म कर आऊँ। तो देखते हैं क्या होता है, मम्मी को थोड़ा सा समझाते हैं क्या है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ना अभी जानते नहीं है कि सोशल मीडिया से क्या बेनिफिट है, क्या है, क्या होता है। मेरी मम्मी को खुद मोबाइल चलाना नहीं आता भी ढंग से, बेचारी मुझसे बोलती है कि जी कैसे होगा क्या होगा। तो थोड़ा सा कंप्रोमाइज करना जरूरी होता है यार पेरेंट्स को, नहीं तो उनके बारे तो कुछ नहीं होगा। तो आप लोग सोच सकते हैं, आप लोगों के यहाँ भी पेरेंट्स हैं, तो पहले घर वाले जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे जब तक घर वाले कैसे कर देंगे। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, मेरे घर वालों को बहुत कम, मेरे घर वाले तो मना कर देते, क्या पागलपंती कर रहा है ब्लॉग, क्या है ये समझ नहीं आ रही। तो धीरे धीरे उनको समझाया, दिखाया, यूट्यूबर्स के बारे में बताया, तब उनकी धीरे धीरे समझ में आ रहा है। तो यार जी, हर किसी की फैमिली सपोर्ट नहीं करती है। आप लोग बहुत होंगे जो लोग देखते हैं, बनाना चाहते हैं, किसी को एडिटिंग नहीं आती है, किसी को कुछ नहीं आता है, किसी को कैमरा फेस करना नहीं आता है। तो मुझे भी नहीं आता था, पर धीरे धीरे सीख गया। तो आप लोग भी सीख सकते हैं, एक बार स्टार्ट करो यार अपने आप। कोई भगवान तो है नहीं कि पहले से सीख के आ रहे हैं, यहीं आके सीखते हैं, जब जन्म लेते हैं उसके बाद धीरे धीरे बड़े होते हैं। तो अब देखते हैं, मम्मी आ रही हैं तो कंप्रोमाइज करता हूं, क्या होता है कैसे, थोड़ा बहुत कि मम्मी कैमरा ले आऊं कि नहीं ले आऊं। तो आ रही हैं अभी। दोस्तों यार खतरनाक वाली ठंड लग रही है आज तो वास्तव में। तो यार देखो, एक कंबल है, एक और कंबल लेके आता तभी काम चलेगा, दिख रहा है। और साथ में दूध पीते हैं, दूध भी भूल गया मैं, क्योंकि मैं अभी स्टडी कर रहा था, स्टडी साथ साथ दूध भी भूल गया। तो इसी के साथ ये ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। जो चैनल पे है वो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बोलो बाकी प्यारी लाल की जय।